इंजीनियर और मैंने इंजीनियरिंग की थी और मेरा सीजीपी था एट पॉइंट सेवन फोर ओके गुड तो आईएमआई दिल्ली के लिए आपने जो अप्लाई किया था वो कैट के थ्रू किया था हाँ मैंने कैट के थ्रू किया था और मेरा परसेंटाइल नाइनटी प्लस ही था ठीक है तो so, ये जो आपका जब आपने अप्लाई किया था, आपकी स्लॉट डेट विल बी ट्वेंटी जनवरी और स्लॉट का जो टाइमिंग था वो था सेकेंड स्लॉट यानी कि जो आफ्टरनून स्लॉट था सो वो टाइम फ्राम वन थर्टी टू सिक्स इट वॉज उसी के बीच में कम्प्लीट होने वाला था ग्रेट so, जब आपका जो टाइमिंग जब आपने ज्वाइन किया तो उस दिन का आप एकदम स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस थोड़ा सा बताइए कि आपके ज्वाइनिंग करने के बाद आपको क्या क्या वहां देखने को मिला और कैसे कैसे चीजें हुई तो so, जो मेन इंटरव्यू का टाइम था वो था दो बजे से और पर हम लोगों को बोला गया था कि देयर विल भी अ ब्रीथिंग सेशन बिफोर दैट सो द ब्रीथिंग सेशन विल भी गोइंग टू स्टार्ट फ्राम वन थर्टी पी एम सो हम लोगों सब वन थर्टी पी एम ही ज्वाइन कर गए और फिर जूम में मीटिंग था तो फिर हम लोग को अलग अलग सब स्लॉट्स डिवाइड कर दिया था और देर वेयर टू प्रोफेसर एंड बोथ वेयर फीमेल पैनलिस्ट फ्राम आई एम आई दिल्ली और हम लोग टोटल दस स्टूडेंट्स थे जो द ऑल द टेन स्टूडेंट्स गोइंग टू भी इंटरव्यूड और हम दस को सबसे पहले बोला गया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा सो देयर विल बी ए नेक्स्ट टेम फोर टॉपिक दैट विल बी गिवन फॉर विच यू विल हैव टू थिंक फॉर थर्टी सेकेंड्स मे बी एंड देन यू ऑल कैन स्पीक फॉर अ मिनट और टू और फिर बाकी हम लोगों को ये भी बोला कि लाइक like, uh, अभी जो तुम लोग दस लोग हो यहाँ पे वी विल गिव यू सीरियल नंबर वाइज एंड वैसे जैसे सीरियल नंबर वाइज देंगे वैसे इंटरव्यू चलेगा बस ऐसे ही ये पाँच मिनट में, में ख़त्म हो गया था एंड देन दे जस्ट एंड देन दू फीमेल जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया कि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो फिर शुरू हुआ तो मेरा नंबर फाइव था ठीक है तो ये, ऐसा ये सिर्फ पीआई का प्रोसेस ही हुआ आपके यहाँ वेरिफिकेशन या और भी कोई प्रोसेस था नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसा कुछ कोई प्रोसेस नहीं था हम लोग को बस हम लोग पहले ही वेबसाइट में डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दिए थे अलग से तो वैसा डॉक्यूमेंट कुछ वेरीफिकेशन नहीं था बस डिरेक्ट पी और एक था ठीक है तो आपने बताया आपका नंबर फाइव था तो कितना देर वेट करना पड़ा आपको आपके नंबर आने के लिए करीब वन आवर ट्वेंटी मिनट्स क्योंकि नहीं नहीं तब तक चार जन का इंटरव्यू हो गया था फिर मेरा शुरू हुआ था तो इट लाइक सो ट्वेंटी मिनट्स पर हाँ हाँ स्लाइटली वैसे ही कुछ ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स किसी का ट्वेंटी मिनट्स भी चल रहा था कंप्लीटली डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द पैनलिस्ट ओके ग्रेट तो आपने जब ज्वाइन किया आपकी जब एंट्री हुई और इंटरव्यू आपका स्टार्ट हुआ आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे और आपके लिए क्या क्वेश्चन थे सो जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे दो फीमेल पैनलिस्ट थी uh, एक वन विल बी इन हर फिफ्टीज एंड द अदर विल बी इन हर थर्टीज सो सबसे पहले जब मैं ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे किया मैंने भी उन्हें ग्रीट किया एंड देन दे सेड दैट आर यू कम्फर्टेबल एंड रिलैक्स तो मैंने बोला हाँ येस मैम सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ जिसमें मैंने बताया अपने बारे में अपने होम टाउन के बारे में फिर मेरा क्या प्रोफाइल है मेरा क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स है ये सब जब उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं एक क्विज़र भी हूँ नेशनल लेवल क्वीज़र हूँ तो वो सुन के बोला ओके सो यू आर अशनल लेवल क्विज़र वेरी गुड सो फिर उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा आई ऑल्सो हैव अ वर्क एक्स ऑफ वन ईयर इनकॉगनीजेंट तो मैंने जॉब छोड़ दी है तो जब उन्होंने ये देखा दैट आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट माय जॉब सो द फर्स्ट क्वेश्चन दे दै आर्स मी वॉज रेडी टू लीव योर जॉब सो मैंने उसके बारे में उन्हें बताया सो दे वे कन्विंस्ड ओके तो फिर उनमें से एक पैनलिस्ट बोली कि सो यू आर अ क्विजर राइट सो टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स इन यू एस आर देयर

मेरा मेरा वर्क एक्स था थर्टीन मंथ्स का वन थ्री थर्टीन मंथ ओके ओके हाँ या yeah, कंटिन्यू तो फिर उन्होंने बोला कि इस कॉग्निजन लिस्टेड तो फिर मैंने उसका आंसर दिया तो उन्होंने बोला कि इफ़ इट इज़ लिस्टेड देन वेरी इट इज़ लिस्टेड इफ़ नॉट देन जस्ट से इट टू मी सो मैंने जब इसके बारे में उन्हें बताया सो so, Uh, पहले तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था बट लेटर लेट आई सेट करेक्टली ओनली तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा सो इफ यू आर अ क्विजर तो तुम्हें डेरे कोबरेन के बारे में पता होगा तो मैंने बोला येस मैम आई नो अबाउट हिम सो उन्होंने बोला बताइए डेरे कोबरेन कौन था एंड वाई इज ही करेंटली इन न्यूज सो मुझे पता था वो एक बहुत फेमस क्विज मास्टर है एंड मैंने उनके एक भी खेला है एंड ऊपर से फिर उन्होंने uh, क्या है वो उनके थोड़ा बैकग्राउंड मैंने दिया सो so, ये कुछ ऐसा चला एंड फिर अचानक से उन दोनों पैनलिस्ट में से कुछ एक पैनलिस्ट का कुछ पर्सनल कुछ कारण आ गया तो उन्होंने म्यूट करके बोला दूसरे पैनलिस्ट को दैट आई नीड टू लीव यू कंटिन्यू विद द इंटरव्यू आई नीड टू लीव फॉर टेन मिनट्स तो फिर जो दूसरे पैनलिस्ट थी फिर वो बोली कि ओके सो यानी के जस्ट टेल मी सो वॉट वॉज योर कैट पर्सेंटाइल उन्होंने मुझे मेरे कैट परसेंटाइल पूछा एंड हाउ मच आई स्कोर्ड इन क्वाट्स लाइक माई पर्सेंटाइल इन क्वांट्स

तो फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम अप वाज ओके मैं तुमको एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करो सो so, मैं तो इसके लिए रेडी नहीं था कि अचानक से दे देंगे ऐसे मैथ्स क्वेश्चन बट आई टोल्ड ओके मैम तो उन्होंने मुझे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन दिया एंड टोल्ड मी टू सॉल्व इट एंड इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन नॉट वेरी टफ क्वेश्चन लाइक ऐसा क्वेश्चन जो इनमेट स्नैप लेवल पर आता है सो so, सिंपल था तो मैंने कर दिया एंड आई वॉज थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैंने कर दिया ठीक <laughs> है सो <So, laughs> इसके बाद Uh, बाकी ऐसा कुछ चल रहा था तो फिर उन्होंने पूछा कि ओके okay, सो so, तुमने अपना जो प्रोजेक्ट किया था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसके बारे में बताओ तो मैंने उसके बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे आईओटी के बारे में पूछा लाइक व्हाट इज आईओटी और उसका क्या होता है वो तो वो बस इसी तक चला तो फिर वो तो बोली कि ओके वेट आई एम जस्ट लुकिंग थ्रू योर प्रोफाइल वंस मोर तो फिर से देख रही थी तो फिर उन्होंने बोला कि जस्ट सेल मी अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स

तो उन्होंने बोला ओके मार्केटिंग गुड टेल मी द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग तो मैंने बताया आई हैव आई वाज प्रिपेयर्ड विद इट देन शी आस्क्ड मी टेल मी द सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग तो मैंने सेवन पीस भी बताया सो so, ये चला तो फिर उन्होंने बोला कि जब मैं सेवन पीस खत्म ही करने वाला था तो सिक्स नंबर में मैंने पोजिशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट बोला तो उन्होंने बोला वॉट डू मीन बाई पोजिशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट तो मैंने पोजिशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताया उनको तो एट फर्स्ट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड बट लेटर ऑन शी श्री मी दो एग्जाम्पल देनेबाउट टू डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ लाइक सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बट डिफरेंट पोजिशनिंग दे आर टारगेटिंग टू डिफरेंट मार्क्स सेगमेंट्स तो मैंने उन्हें बताया डब और लाइफ बॉय के बारे में तो उन्होंने मुझे बोला कि हाउ इट इज डिफरेंट एंड आई सेट दैट लाइफ बॉय यूजअली टारगेट्स लाइक

Uh, so, उन्होंने मुझे बताया कि कोच as तो मैंने उन्हें बताया एक दो चैलेंजेस फिर उन्होंने कहा ओके सो योर पीआई इज ओवर बट नाउ आई विल्यू विम्पोर मार्केटिंग बताई दी आपको क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए आगे चल के एम में हाँ तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि लाइक इन विच स्पेशलाइजेशन आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इफ़ यू जॉइन आई आई दिल्ली तो मैंने उन्हें बोला कि एट दिस मोमेंट आई एम नॉट वेरी श्योर बट स्टिल इफ़ आई हैव टू चूज वन स्पेशलाइजेशन देन आई विल गो फॉर मार्केटिंग सिंस आई ऑलरेडी हैव अ सेल्स इंटर्नशिप एंड वेर आई वॉज एज अ टॉप परफॉर्मिंग इंटर्न और मैंने वन लैक ,00 से ऊपर रेवेन्यू भी जनरेट किया था फॉर दैट स्टार्टअप

एक्सटेम्पोर कैन भी एनी थिंग एंड एवरी एनी टॉपिक कैन बी आग सो एक काम करते हैं तो तुमने बताया कि तुम्हारे फुटबॉल में इंटरेस्ट है सो so, एक बात बताओ तुम्हारा एक्सटेम्पोर का टॉपिक भी यही रहेगा कि स्किल्ड कोच इज़ मोर रिक्वायर्ड टू विन अ गेम दैन स्किल्ड प्लेयर्स सो ये था मेरे एक्सटेम्पोर का टॉपिक एंड उन्होंने कहा कि जस्ट थिंक फॉर थर्टी सेकेंड्स एंड देन यू कैन स्पीक सो मैंने उन्हें बोला कि मैम इफ़ यू अलाउ मी देन कैन आई जस्ट टेक अप पेन एंड कॉपी एंड जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स

जो तुमने अभी तक बोला तो मैंने उन्हें समराइज करके बोल दिया पॉइंट्स एंड देन शी सेड दैट ओके एनी क्वेश्चन फॉर मी सो आई जस्ट आक्स हर अबाउट माय फीडबैक एंड देन शी सेड दैट ये तो तुम्हें फर्स्ट लिस्ट आने पर पता चलेगा बस <laughs> <laughs> सही है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस इंटरव्यू से ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था लाइक like, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था एंड माय फर्स्ट ऑनलाइन इंटरव्यू भी था इस साल का सो आई वाज अ लिटिल बिट टेंस्ड कि काफी ग्रिलिंग ना हो जाए पर इट वाज गुड काफी चिल था ज्यादा ग्रिल नहीं था तो इट वाज ओके एंड पैनलिस्ट वेर आल्सो कूल तो ये अच्छा ये सारे प्रोसेस में इसमें कहीं वेट पहले हुआ था आपका ऑनलाइन या फिर इसमें था ही नहीं वेट नहीं आई दिल्ली में वेट नहीं होता है वेट नहीं होता है ओके okay. नहीं

होने वाला पूरा पूरा की प्रोसेस और किस किस चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हालांकि सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे पर ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आगे पीछे पूछे जाते हैं तो गाइज ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या लिंक पे बाकी हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए